हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप है साइलेंट ट्रेडर पे। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है @Shubham2010, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो। मैं ऑलरेडी पोस्ट किया था जिसमें आप देख सकते हो कि एक रिस्की सेल दिया था 625 to 80 एरिया पर UPL का, जो पोस्ट किया था 11:45 पर दोपहर में। एंड मैंने दिया था 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर बेस करके, जहां पर आप देख पा रहे हो एक नेगेटिव डायरेक्शन क्रिएट हो रहा था एंड तब प्राइस चल रहा था 625.80। ये 30 मिनट्स का चार्ट था एंड उसके बाद हम लोग पोस्ट किया। कब पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया, आप देख सकते हो कि उसके बाद हम लोग ये वाला पोस्ट किया था 3 घंटे पहले। उसके बाद पोस्ट किया कि 622 पर हम लोग बुक योर पोजीशन पर 4 पॉइंट्स, ₹4 का प्रॉफिट मिल रहा है, नियर अबाउट 0.6% के ऊपर हम लोगों का प्रॉफिट इंटरडे मिल गया था। तो मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल दिया था एंड मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस ट्रेड किया था। 623.90 पे मैंने सेल किया एंड 624.40 पे मैंने एग्जिट कर लिया, दैट मीन प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि मुझे 15 मिनट चार्ट में वही ट्रेड नज़र आया था। आप थोड़ा देखते हैं कि कहाँ हम लोग ट्रेड कर रहे थे। ये 30 मिनट चार्ट है जहाँ पर आप देख पा रहे हो सेम टू सेम हम लोग एक क्रॉस दिखाया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रॉस दिखाया जो ऑलरेडी मैं 30 मिनट चार्ट में तब बोल दिया था कि कहाँ पर आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंसी जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा था, ये डाइवर्जेंसी पॉइंट था। एंड इसका जो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट में लो जो पॉइंट है ए पॉइंट, दैट मीन्स हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जब भी ऐड करते हैं तब प्राइस चल रहा था, आप देख पा रहे हो कि प्राइस चल रहा था 625.65 के आसपास। एंड मैं उसी टाइम आप लोगों को इंटीमेशन दिया था ट्विटर के माध्यम से कि आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंसी दिखाया है। तो उसी के ऊपर हम लोग पोस्ट भी किया था। तो उसके बाद अगर आप 626 में आप 30 मिनट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या शुभम 30 मिनट चार्ट में आप ट्रेड कर रहे हो और आप प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हो 4 पॉइंट में, ये कैसे हो सकता है? आपका टारगेट तो मिनिमम टू मिनिमम नियर 0.8% होना चाहिए और 1% के आसपास होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं कि 626.8% कितना पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, दैट मीन 626-5=621। मैं 622 में बुक कर चुका हूँ, बुक करने के लिए ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अगर आप इस कैंडल को गौर से देखोगे एंड लो देखोगे ना, तो ₹617.30 आ गया, दैट मीन्स कि आपका अगर 1% भी रखते हो तो भी आपको ये प्रॉफिट मिलता है ऑलरेडी, जो आपको 9 पॉइंट्स ऑन मार्केट में डिफरेंस आपको मिल चुका है। मैं छोटा प्रॉफिट देखता हूँ ऑल टाइम कि सेफ सिक्योरली आप कहाँ तक प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं जब 15 मिनट्स चार्ट में मैं देखा था, देखिए ए नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा था एंड यहाँ पर ए भी पॉजिटिव ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट का जो मिडिल वाला सेक्शन है, उसमें जो लोअर सबसे लोअर जो हुक है, सो हुक है ए वाला, तो इस वाला हुक से लास्ट जो लोअर पीक वाला हुक है उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आप देखो यहाँ पर इस ऐड डाला एंड आपको उसमें अपॉर्चुनिटी आएगा कि इस प्लेस पे, दैट मीन 624.75 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिलता है शॉर्ट सेल करने के लिए। एंड वही 15 मिनट्स के ऊपर बेस करके मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था। मैं 30 मिनट्स के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, 50 मिनट्स के ऊपर ट्रेड लिया था। तो मुझे मिला 623
0.90 के आसपास, अगर आप नहीं देख चुके हो तो देख लीजिए, 623.90 पे मैंने सेल किया था। तो उसी सेल के हिसाब से मैं एग्जिट कर लिया 620 पॉइंट समथिंग 40 पैसे के आसपास, मगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नीचे भी मिला था 617.13। दैट्स मीन्स कि मेरे सेल करने के बाद भी 1% का प्रॉफिट मिला, मगर मेरा लॉजिक जो है वो है 0.4%, 2.5% 15 मिनट्स के चार्ट में। तो 15 मिनट्स चार्ट में अगर आप 0.4% की देखोगे तो आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो 626 × 0.4%, दैट मीन्स 2 रुपये 50 पैसे। तो 2 रुपये 50 में माइनस करता हूँ तो 621.50 पैसे में मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना था, मगर मैं और भी 1 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट जो जितना हो सकता है वोलेटिलिटी है, आप 122 पॉइंट चल रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी दिया था उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि 5 मिनट का चार्ट आप देखो नीचे खुला था, उसके बाद एक रिकवरी आया, स्ट्रॉन्ग रिकवरी है जिसमें निफ्टी नियर अबाउट -54 पॉइंट के आसपास कुछ था, उसके बाद फिर से नीचे 117 पॉइंट अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो जो भी आप ट्रेड करोगे उस ट्रेड में आपको हर टाइम एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, जिस पैटर्न से आपको ट्रेड जो मिल रहा है और जो मिलेगा वो आपको स्टेडी मिलेगा। मैं निफ्टी में भी एक नेगेटिव डायरेक्शन दिखा देता हूँ जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये देखिए, एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग जब बोल रहा था एंड जब आप CCI पे देख पा रहे हो तो ये एक नेगेटिव पैटर्न आपको दिख गया है। एंड अगर आप सोचोगे तो मैं यह तक ये देखिए, 2 क्रॉस कर लिया, इस पे टास दिया, इस पे क्रॉस कर दिया, तो आपका जो शॉर्ट बनता है ना, तो इस लेवल पे शॉर्ट बनता है 15176 और 15180 के आसपास, 15180 के आसपास आपको शॉर्ट बनता है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे जो लो दिखाया है वो 15146, दैट मीन्स नियर अबाउट करीबन 40 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिला है अगर निफ्टी में आप ट्रेड कर चुके हो। मेरे ख्याल से 40 पॉइंट एनाफ है निफ्टी के लिए। एंड इस CCI डाइवर्जेंसी अगर आप ठीक ठाक भी पकड़ के चलो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। मैं लास्ट डे अदानी पोर्ट में भी सेम कॉल दिया था, अगर आप नहीं देखे हो तो लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें अदानी पोर्ट का भी वीडियो मैंने पोस्ट किया था। देखिए, अदानी पोर्ट का 5 मिनट का चार्ट मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने क्लियर कट लिख दिया था कि शॉर्ट एट 748-49, एरिया टारगेट 44, मगर उसका बहुत नीचे लेवल आया था। मैं आपको नहीं बोल सकता, शायद 730 रुपये के आसपास मैं 2 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मगर उसके बाद बहुत नीचे आ गया था, ये भी ट्रेड किया था एंड आज भी ट्रेड कर चुका हूँ ऑलरेडी इस UPL में। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक्स है CCI डाइवर्जेंसी, सिंपली CCI 21 आपको देखना है। आपको जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की एगेंस्ट में अगर CCI जाता है तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है एंड उसमें आपको ट्रेड लेना है एंड प्रॉपर टाइम पे एग्जिट करना है। इस प्रॉपर टाइम को मैं जस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ, कोई भी CCI के ऊपर मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। मैं सब हर टाइम बोल देता हूँ कि आपको सेफ सिक्योरली 5 और 15 मिनट के बीच में 0.5 मैक्स टू मैक्स लीजिए, उसके बाद 30 मिनट्स में 0.8 एंड 1 घंटे में आप 1% ले सकते हो। ऐसे टाइम फ्रेम में इतना परसेंटेज मेरे ख्याल से इंटरडे में आपको एक सेटिस्फाइड प्रॉफिट दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक दबा दीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।